हेलो बैकबेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो देखो, हम हमारा अर्थ प्रेशर स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो तक, और हमने हमारा बेसिक के साथ में जो हमारा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की जो कंडीशन थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे एक्टिव अर्थ प्रेशर से। तो देखो, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। सपोज हमारे पास ये एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। यहां पर ये हमारा हो गया ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये हमारा कोई ग्राउंड सरफेस हो गया, ये हमारी यहां पर रिटेनिंग वॉल है, और यहां हमारा क्या है, बैक फिल है। क्या है हमारा यहां पर, बैक फिल। ये हमारा यहां पर बैक फिल लगा हुआ है, ठीक है। पूरा यहां पर सॉइल है। अब देखो, इस सॉइल की वजह से सपोज करो कि यहां पर हमारा कोई इस तरीके से यहां पर सेटलमेंट हुआ सॉइल का। अब जब सॉइल का सेटलमेंट यहां पर डाउनवर्ड सेटलमेंट होगा, ठीक है, जब हमारी वॉल यू मूव करेगी, मतलब बाहर की तरफ मूव करेगी, सपोज इस तरीके से मूव कर रही है ये, इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करेगी ये सॉइल। जब हमारा रिटेनिंग वॉल जब बाहर की तरफ मूव करेगी कुछ इस तरीके से, जब ये बाहर की तरफ मूव करेगी तब उस टाइम पर हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉइल का सेटलमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर, सॉइल का मूवमेंट होगा या सेटलमेंट होगा। क्या होगा, सॉइल का मूवमेंट या फिर सॉइल का सेटलमेंट होगा, ठीक है। अब इस मूवमेंट की वजह से जो हमारी ये जो रिटेनिंग वॉल है जो इस तरफ झुकी है, तो इस तरफ झुकने की वजह से अब यहाँ पर सॉइल मूवमेंट की वजह से यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर शीयर रेजिस्टेंस लगेगा बाय दिस एडजेसेंट सॉइल। मतलब जो यहाँ पर हमारे पास जो सॉइल है बाकी जगह पर वो मूव नहीं हो रही है, तो वो मूव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस जो सॉइल मूव हो रही थी उस पर कुछ ना कुछ शीयर रेजिस्टेंस लगाएगी। जब ये यहाँ से इस तरीके से फेल होगी, जो हमारा फेलियर प्लान है, तो इस तरीके से जब ये फेल होगी तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ शीयर रेजिस्टेंस लगेगा। तो ये जो शीयर रेजिस्टेंस लगेगा, ये लगेगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सॉइल मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है हमारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अब जब हमारा शीयर स्ट्रेस जो शीयर रेजिस्टेंस है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, सॉइल मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारी जो रिटेनिंग वॉल है जो झुक कर इधर की तरफ थोड़ी स्टेबल कंडीशन में आ गई, तो इस पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। कैसे प्रेशर डिक्रीज होगा कि देखो, अगर ये हमारे पास कोई वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारी सॉइल है इस जगह पर। अब जब सॉइल यहां पर सेटलमेंट हुआ, तो सेटलमेंट की वजह से यहां पर प्रेशर लगेगा। अब इस प्रेशर की वजह से जब ये एक लेवल पर झुक जाएगी और हमारा सेटलमेंट रुक जाएगा, मूवमेंट सॉइल का रुक जाएगा, तो उस टाइम पर इस पर ये एक स्टेबल कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो इस टाइम पर इसका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर रिलीज होगा। प्रेशर रिलीज हो गया मतलब प्रेशर क्या हो गया, यहां पर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ड्यू टू दिस सॉइल मूवमेंट एंड द यहां पर जो हमारा शीयर रेजिस्टेंस लग रहा है, क्या लग रहा है, शीयर रेजिस्टेंस लग रहा है उसकी वजह से, ठीक है, शीयर रेजिस्टेंस, ठीक है, इसकी वजह से जो अपवर्ड लग रहा है, तो यहां पर ये प्रेशर यहां पर डिक्रीज हो गया। अब देखो, ये प्रेशर कब तक डिक्रीज होगा, बात यह है कि ये प्रेशर कब तक डिक्रीज होगा। देखो, अभी तक हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर यहां पर लगा नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि यहां पर ये सिर्फ प्रेशर लग रहा है, ये अभी तक एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आई नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर अभी तक इतना पढ़े हैं कि यहाँ पर सॉइल मूवमेंट की वजह से यहाँ पर कोई प्रेशर लगेगा, और उस प्रेशर में यहाँ पर हमारे पास शीयर रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और जब सॉइल का मूवमेंट हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो शीयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर वॉल पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब डिक्रीज होगा तो ये कब तक डिक्रीज होगा, ये तब तक डिक्रीज होगा जब तक शीयर रेजिस्टेंस की वैल्यू मोबिलाइज नहीं हो जाती है। मोबिलाइज होने का मतलब है शीयर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर हमारे पास मैक्सिमम नहीं आ जाती है। क्या नहीं आ जाती है, मैक्सिमम नहीं आ जाती है, तब तक हमारा ये डिक्रीज होगा। अब सपोज करो, ये हमारी एक कंडीशन है, इस कंडीशन पे ये यहां तक आने में ये यहां पर हमारा शेयर रेजिस्टेंस मोबिलाइज हो गया, यहां पर शेयर रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सो द प्रेशर एट शेयर रेजिस्टेंस
इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर, मतलब शियर रेजिस्टेंस की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब हमारा जो प्रेशर होगा वो होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर. द प्रेशर एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर. लिख लेना इस डेफिनेशन को. ठीक है, तो यहां तक हमारे पास ये आ गई हमारे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर की डेफिनेशन. हम यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर समझ चुके हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन क्या होगी. ये पूरे में एक्टिव अर्थ प्रेशर नहीं लगेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन पर यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर लगेगा, वो कंडीशन जहां पर हमारा शियर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा. ठीक है, अब ये मैक्सिमम होगा. चलो ठीक है, ये यहां तक पढ़ लिया, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं. तो अब देखो हम वापस से क्या करेंगे इसके अंदर, वही हमारा एक स्मॉल पार्टिकल यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे. ये स्मॉल पार्टिकल कंसिडर कर लिया, 2D में हमारे पास दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा वर्टिकल में एक लगेगा हॉरिजॉन्टल में. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कौन सा लगेगा, सिग्मा वी और सिग्मा एच. अब देखो सिग्मा वी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, सिग्मा वी की वैल्यू जो यहाँ पर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है, जो हमारा प्रेशर लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है उसकी सिग्मा एच. अब सिग्मा एच की वैल्यू क्या होगी, इस सिग्मा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सिग्मा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए सिग्मा वी. क्या हो जाएगी, के ए सिग्मा वी. तो भाई अपने पास के ए की वैल्यू क्या हो गई, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर है के, ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रहेगा. रेस्ट कंडीशन पे हमारे पास क्या था, ये के नोट था कि नहीं था, ठीक है, के नोट था ना. तो अब एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर पे हम इसको लेंगे के ए, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए इसको लेंगे हम के पी. तो अब के ए जब हमने ले लिया तो सिग्मा वी हमारे पास ही आ गया, हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लगने वाला फोर्स आ गया, स्ट्रेस आ गया. ठीक है, अब देखो हमारे पास एक शियर स्ट्रेस रेजिस्टेंस की हमारे पास एक इक्वेशन थी. ट्राइएक्सियल टेस्ट के टाइम पर हमने एक इक्वेशन बनाई थी, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये हो गया हमारे पास माइनर प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, अब मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा हमारे पास, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, स्ट्रेस कहां पे ज्यादा आ रहा है, सिग्मा वी पर. और माइनर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा हो गया, सिग्मा एच. अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, तो अब यहां पर फेलियर कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मेजर प्रिंसिपल के साथ में हमारे सोयल का जो एंगल बनता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा सी से हम इसको डिनोट करते हैं. और ये जो हमारा फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन का फेलियर वेज है, ये जो वेज है इसकी लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो ये हमारे पास हमको दी हुई है h, हमको पता है ये हमारे पास h. ठीक है, ये जो यहां से समझाता हूं बड़े में, ठीक है, ये हमारे पास कितनी है, h है, हमको पता है. ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, थीटा c आ गया. ये क्या आ गया हमारे पास, यहां पर थीटा c आ गया. ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं भाई, इतने तो हम निकाल ही सकते हैं. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h cot थीटा c. ठीक है, ये थीटा सी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहां पर हमने थीटा सी की वैल्यू क्या निकाली थी, 45 प्लस 5 बाय 2. क्या हो जाएगी ये, एच कोट 45 प्लस 5 बाय 2 की ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब फेलियर वेज की वैल्यू क्या हो गई, एच कोट 45 प्लस 5 बाय 2. ठीक है, अब ये हो गई. अब हमें निकालना क्या है इस वैल्यू, अब यहां से हमें इसको वहां पे वैल्यूज चेंज करनी है. तो यहां पर यहां से हम देखें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, वैसे इधर पुट कर देंगे. अब इसको हम हमारी टर्म्स में लिख लेते हैं, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा एच टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इसको हम के की फॉर्म में लिखने हैं क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फाइंड करेंगे तो इसको हम सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू वन अपॉन टेन स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2 में लिख सकता हूं क्या मैं इसको ऐसे, ये जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 45 प्लस 5 बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू थी. तो इसको इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो यहां पर आगे जब हम इसको करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 45 प्लस 5 बाय 2. ये हो गई किसकी वैल्यू, के ए की, या फिर सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी, ये इसकी वैल्यू हो गई. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं. के ए इज इक्वल्स टू सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में तो हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन
फाई अपॉन वन प्लस साइन फाई, ये आ गया हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। ठीक है, यहां पर के इज इक्वल टू वन माइनस साइन फाई अपॉन वन प्लस साइन फाई, तो ये हमारा यहां तक हो गया एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे पैसिव अर्थ प्रेशर की, ये हमारी रेडिएटिंग वॉल हो गई, ये हमारा ग्राउंड सरफेस हो गया, ये हमारा यहाँ पर फेलियर प्लेन हो जाएगा। सो इन द एक्टिव अर्थ प्रेशर द वॉल वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द बैकफिल, बट इन द पैसिव अर्थ प्रेशर द वॉल विल मूव टुवर्ड्स द हमारा जो बैकफिल है, जो भी हमारी सॉइल है उसकी तरफ ये मूव करेगी। तो देखो कैसे मूव करेगी, जब ये हमारी सॉइल इस तरीके से, ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, तो इस तरीके से जब ये मूव करेगी हमारी यहाँ पर इस साइड, जब ये मूव करेगी तो हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो जब ये प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पर हमारे पास वापस से ये वाला सॉइल मूवमेंट आएगा। तो अब की बार जो सॉइल मूवमेंट आएगा वो जब इस साइड लग रहा है, जब हमारी रिटेनिंग वॉल जो है वो हमारी इस तरफ पुश हो रही है, मूविंग टुवर्ड द बैकफिल हो रही है, सो दिस टाइम द सॉइल मूवमेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो सॉइल मूवमेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस सॉइल मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर एडजेसेंट सॉइल है उसका जो शियर रेजिस्टेंस आएगा, जो भी शियर रेजिस्टेंस आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा हमारा शियर रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा शेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया शेयर रेजिस्टेंस, और ये हो गया सॉइल मूवमेंट जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और शेयर रेजिस्टेंस हमारा कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये सॉइल हमारे यहाँ पर झुक रही है, तो इसकी वजह से आप बताओ जब पिछली वाली में सॉइल का मूवमेंट अवे फ्रॉम दी जो हमारा बैकफिल था उससे था, तो दिस टाइम द सॉइल मूवमेंट इज टुवर्ड्स द बैकफिल, एडजेसेंट जो सॉइल है उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो अब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है कि प्रेशर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस कंडीशन में, पैसिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन में। तो ये प्रेशर कब तक इंक्रीज होगा, सेम कंडीशन है, व्हेन दिस प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग टिल द शियर रेजिस्टेंस गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, जब तक मोबिलाइज नहीं हो जाता दिस सोइल विल गेट द प्रेशर विल इंक्रीज कंटिन्यूसली अंटिल द शियर रेजिस्टेंस गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और इस मैक्सिमम वैल्यू को जो यहां पर इस मैक्सिमम वैल्यू पर जो यहां पर प्रेशर लगेगा उसको हम कहेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, इसको हम कहेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर। मैं फिर से कहता हूँ, नोट्स में लिखवा नहीं पाता हूँ, तो जो मैं बोलू उसे समझ के उसी तरीके से यहाँ पर आपके आप अपने नोट्स बना लिया कीजिए। तो कहने की बात यह है द प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय द रिटेनिंग वॉल ऑन द सॉइल by that soil will move and by that movement shear resistance will generate and the pressure will generate and the pressure will increase continuously until the shear resistance gets its maximum value and the pressure at the maximum value of shear resistance is called passive earth pressure। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी समझने वाली बेसिक सी बातें। अब हम समझते हैं कि अब जो हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर है उसको कैसे हम न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यूज हमारे पास यहां पर हो सकती है। सो वापस से हम यहां पर एक हमारा पार्टिकल लेंगे, ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, अब इस पार्टिकल को मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा पार्टिकल मैंने ड्रॉ कर लिया, वही दो लग रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो इस बार क्या होगा पैसिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन में, क्या होगा जब प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो ये अपने आप को इतना इंक्रीज कर लेगा कि जो हमारा वर्टिकल जहां स्ट्रेस लगेगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अपने आप को वर्टिकल स्ट्रेस से इंक्रीज कर लेगा, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की यहाँ पर हो जाएगी। मतलब अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्लेन चेंज होने वाला है, मतलब जो प्लेन ज्यादा वैल्यू रखता है, मतलब जिस स्ट्रेस की वैल्यू जिस प्लेन पर ज्यादा होती है वो कौन सा होता है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब तक हमने क्या रखा था, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल स्ट्रेस जो लग रहा था उसको हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माना था, बट दिस टाइम द
सिग्मा एच द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हैज इंक्रीज इट्स वैल्यू ग्रेटर देन दी सिग्मा वी, वर्टिकल स्ट्रेस से ज्यादा इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा हो गया, सिग्मा एच हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या हो गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या हो गया सिग्मा एच। तो अब ये थीटा सी जो बनाएगा, थीटा सी जो बनाएगा वो कहां बनाएगा, ये सिग्मा एच के साथ में। अब देखो थीटा सी की वैल्यू क्या थी, थीटा सी की वैल्यू हमारे पास थी 45 प्लस 5 बाई टू, ये थी हमारे पास थीटा सी की वैल्यू। अब थीटा सी की वैल्यू जब 45 प्लस 5 बाई टू थी तो अब इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल है ठीक है, तो थीटा सी की वैल्यू अब ये जहां पर जो ऊपर वाला बनेगा एंगल उसकी वैल्यू हमारे पास यहां हो जाएगी 45 माइनस 5 बाई टू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी रे, हो जाएगी ना ठीक है। तो ये तो हमारे पास इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई। तो अब इस प्लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस एंगल के साथ में, यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है 45 माइनस 5 बाय 2, ये यहां पर एंगल बन गया। तो इसके साथ में हमारे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कॉट 45 माइनस 5 बाय 2 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी इसके साथ में ठीक है। तो अब हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी है जो कि क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी। ये हमारे पास अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं, याद ही होगा अब तक तो सबको ठीक है। तो ये अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं, केपी जगह सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमें वापस से हमारी वही शेयर रेजिस्टेंस की जो हमारे पास पहले रिलेशनशिप थी, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर फोर्ट, हाँ टेन स्क्वायर थीटा ठीक है। तो अब की बार हमारे पास थीटा सिग्मा वन क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये सिग्मा थ्री हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा वन क्या है हमारे पास अब की बार, सिग्मा एच, और सिग्मा थ्री हमारे पास क्या है, सिग्मा बी। टेन स्क्वायर फाइव क्या है, 45 माइनस 5 बाई टू, चेंज हो गया 45 माइनस 5 बाई टू। देखो हम एंगल यहां पर इसलिए ये 45 माइनस 5 बाई टू ले रहे हैं क्योंकि हमें एंगल जो लेना है वो जो सॉइल फेलियर हो रही है, देखो हम ये वाला एंगल तो नहीं ले सकते क्योंकि इस सॉइल में तो कोई डिफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा क्योंकि ये बैकफिल है। तो हमें यहां पर एंगल ये वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी सॉइल जो है वो इस जगह से डिफॉर्म हो रही है, तो हम 45 माइनस 5 बाई टू वाला एंगल ही लेंगे इसके अंदर ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास हो गया 45 माइनस 5 बाई टू, तो ये क्या हो गई, सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 माइनस 5 बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी क्या है, के पी आ गई, नहीं आ गई केपी। तो इस केपी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी हमारे पास, केपी इज इक्वल टू, जब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में हम सॉल्व करेंगे आगे, तो केपी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। ये हमारे पास केपी की वैल्यू आ गई है, केपी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। तो अब ये थोड़ा यहां पर गिचपिच हो गया, इसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। तो अब देखना ये सारी वैल्यूज तो हमें पता चल गई है ठीक है। अब यहां पर क्या क्या रिलेशन बनता है पैसिव वर्क प्रेशर में, हमारे पास पैसिव वर्क प्रेशर की वैल्यू तो क्या आ गई, केपी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। के ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, मतलब ये इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं क्या, केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए, ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं। और एक बात की जो हमारा के ए होता है विच इज 9 टाइम्स केपी जो होता है, सॉरी केपी जो होता है विच इज ग्रेटर देन 9 टाइम्स ऑफ के ए, ये इससे बड़ा होता है। केपी जो होता है पैसिव वर्क प्रेशर ज्यादा होता है अर्थ जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है उससे, और एक बात सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है पैसिव अर्थ प्रेशर, फिर उससे जो कम होता है वो होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और सबसे कम जो होता है वो हमारे पास आता है एक्टिव अर्थ
प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी, बेसिक बातें एग्जाम्स में पूछी जाती है या फिर ये जनरली आपको पता भी होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर साइन जो कन्वेंशन है, यहाँ पर साइन जो है इसमें थोड़ा सा काफी कंफ्यूजन रहता है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास फाई है, जो हमारा एंगल बनता है वो हमेशा इसके अपोजिट बनता है। एक तो तुम याद रख लो केपी, पी से पॉजिटिव याद रख लेना, पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पर ऊपर प्लस आएगा, तो केपी की वैल्यू हमेशा ऊपर प्लस आएगा। एक्टिव को तो तुम छोड़ दो, इसका अपोजिट तो लिखना है, तो हमें बस इतना सा छोड़ के वहां पर ये याद रखना है। तो के पी के साथ में एंगल जो बनेगा वो हमेशा बनेगा 45 माइनस 5 बाई 2, मतलब इसका अपोजिट बनेगा यहाँ पर, ये जो प्लस लग रहा है इसका अपोजिट बनेगा, यहाँ पर भी इसका अपोजिट बनेगा, यहाँ पर बनेगा 45 प्लस 5 बाई 2। ये यहाँ पर हमेशा एंगल अलग अलग बनने वाला है। इसको यहाँ पर टेन स्क्वायर, ये हमारे पास एंगल यहाँ पर अलग अलग बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर हमारा यहाँ खत्म होता है। आगे हम और भी अर्थ प्रेशर की बाकी जो बचे हुए टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस इन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।